हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इरफान शेख, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट यानी मूत्र और पुरुष रोग विशेषज्ञ। आज के वीडियो में हम शॉकवेव थेरेपी कितनी इफेक्टिव है, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स है या किसने करवानी चाहिए, ये पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देखेंगे। शॉकवेव थेरेपी एक ट्रीटमेंट है जिसमें आपके इरेक्शन के लिए जो ब्लड सप्लाई ज़रूरी होता है उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। कौन से पेशेंट ने शॉकवेव करना चाहिए, तो इसमें बहुत ही सिंपल चीज़ है। शॉकवेव थेरेपी आप डायरेक्टली ले सकते हैं अगर आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन से अफेक्टेड है। जैसे कि हमने देखा कि 40 के एज से पहले ऑलमोस्ट 30% पेशेंट इरेक्टाइल डिसफंक्शन से सफ़र कर रहे हैं, उससे अफेक्टेड है। कोई भी पेशेंट जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन से अफेक्टेड है वो शॉकवेव थेरेपी ले सकता है। शॉकवेव थेरेपी के क्या एक सेशन होता है या मल्टीपल सेशन होता है, ये भी सवाल बहुत लोगों के दिमाग में रहता है। शॉकवेव थेरेपी के 5 to 6 सेशंस हम लोग एडवाइस करते हैं जिसमें प्रोग्रेसिवली इम्प्रूवमेंट का आपको पता चलता है। जनरली हमारा एक्सपीरियंस ऐसे है कि 2 से 3 सेशन के बाद पेशेंट्स को इरेक्शन का क्वालिटी इम्प्रूव होने लग जाता है, उनको स्पॉन्टेनियसली मॉर्निंग इरेक्शंस होने लग जाते हैं, उनका वेलबींग बढ़ जाता है। और जैसे हमने पहले भी देखा कि कॉन्फिडेंस लेवल और इरेक्शन का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हर सेशन को कितना टाइम लगता है, हर सेशन को लगभग 8 से 10 मिनट लगते हैं, जिसमें एक सोनोग्राफी मशीन का जो ट्रांसड्यूसर रहता है, जिसमें सोनोग्राफी मशीन का जो प्रोब रहता है, वैसे सिमिलर प्रोब से आपके पेनिस के टिश्यू में साउंड वेव्स डिलीवर की जाती है और ये कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर है। शॉकवेव थेरेपी के बाद बहुत से पेशेंट्स को डाउट रहता है कि मुझे इसके बाद छुट्टी लेना चाहिए या कोई रेस्ट की ज़रूरत है या कुछ रिस्ट्रिक्शंस है मेरे काम में या डेली रूटीन लाइफ में। तो शॉकवेव थेरेपी के बाद आप अपनी डेली रूटीन लाइफ शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप क्लिनिक से सीधा ऑफिस या काम पे जा सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि शॉकवेव थेरेपी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है क्या, तो शॉकवेव थेरेपी कम्प्लीटली सेफ है। कोई भी नया ट्रीटमेंट आता है तो पेशेंट्स के दिमाग में या हम डॉक्टर्स के दिमाग में भी उसकी एक डाउट रहता है कि इसका सेफ्टी कितना है, तो ये बिल्कुल भी सेफ है। हम थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स कर चुके हैं पुणे में, और जिसमें पेशेंट्स को मेजर साइड इफ़ेक्ट्स या पेन, स्किन इरिटेशन ऐसे कुछ भी नहीं होता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, शॉकवेव थेरेपी कितनी इफ़ेक्टिव है, तो शॉकवेव थेरेपी 70-75% पेशेंट्स में इफ़ेक्टिव है, जिसमें बहुत से पेशेंट्स को इरेक्शंस नॉर्मल हो जाते हैं, मैक्सिमम पेशेंट्स को इरेक्शन का क्वालिटी इम्प्रूव होता है। तो शॉकवेव थेरेपी काफ़ी इफ़ेक्टिव है और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका कि ये लॉन्ग टर्म पोटेंशियली आपको इम्प्रूवमेंट देता है। बाकी ट्रीटमेंट जो वायग्रा, सियालिस ऐसे जो दवाइयाँ हैं जो आप कंज्यूम करते हैं वो टेम्प्ररी यानी वही टाइम के लिए आपका पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ाता है, इरेक्शन की क्वालिटी बढ़ाता है, बट शॉकवेव थेरेपी पोटेंशियली लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है और उसका इफेक्ट अगर है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट मिल सकता है। तो ये थे कुछ सवाल जो हमें पेशेंट्स ने पूछे कि शॉकवेव थेरेपी के बारे में। अगर आपके दिमाग में शॉकवेव थेरेपी या मेंस हेल्थ से रिलेटेड और भी कोई समस्याएं है, आपके दिमाग में डाउट है, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमें लिखिए। आने वाले वीडियोस में मेंस हेल्थ से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपके सामने आएंगे।